इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इज कोर्स इन सीपीयू, और आप इस चैनल के और भी प्लेलिस्ट और वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले ये जो कोर्स है ये एक्चुअली में होते क्या है। दोस्तों, कभी भी अगर आप मार्केट में सीपीयू परचेस करने निकलो तो वहाँ पे आपसे पूछा ये जाएगा कि भाई कितने कोर्स का सीपीयू चाहिए, 2 कोर्स, 4 कोर्स, 8 कोर्स, 10 कोर्स, कितने कोर्स का आपको सीपीयू चाहिए। तो सिंपली ये होता है कि आपको जो काम करना है आपके कंप्यूटर के साथ उसी के हिसाब से ही आपको कोर्स को परचेस करना है। जैसे कि यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये एक पूरा का पूरा एक सीपीयू है और उनके बीच में ये जो काले काले जो बॉक्सेस है ये है इनके कोर्स, यानी कि इसके अंदर तो 2 कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि कोर्स एक्चुअली में करते क्या है, उनका रोल क्या होता है सीपीयू के अंदर। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक रोड है, एक सिंपल सा एक रोड है, उसमें एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है या तो आ सकती है। ठीक है, बट इसी केस में अगर क्या हो कि 2 रोड हो, मतलब एक ही रोड में 2 लेन्स हो, तो उस रोड पे एक ही टाइम पे एक गाड़ी जा भी सकती है या तो आ भी सकती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इस रोड को आप मान लीजिए एक कोर, अगर आपका प्रोसेसर 1 कोर का है तो उसमें एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उस कोर के अंदर एक टाइम पे एक एप्लीकेशन चल सकती है, और ऐसे ही अगर 2 कोर हो तो 2 एप्लीकेशंस एक टाइम पे चल सकती है। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता, ये थोड़ी देर बाद हम इस पे आते हैं। अब मान लीजिए कि आपका सीपीयू 4 कोर्स का है, इसका मतलब उसमें 4 हाईवेज है जिसमें एक ही टाइम पे 4 गाड़ियाँ जा भी सकती है और आ भी सकती है। ऐसे ही 8 कोर हो तो इसका मतलब 8 रोड है, मतलब 8 अलग अलग लेन्स है जिसमें 8 गाड़ियाँ एक साथ आ भी सकती है और जा भी सकती है। इसका मतलब होता ये है कि अगर आपको 8 अलग अलग एप्लीकेशंस एक साथ रन करना हो तो आप उसमें आराम से कर सकते हो, और अगर आपका सीपीयू सिर्फ 2 कोर्स का है तो उसमें आप सिर्फ 2 एप्लीकेशंस आराम से रन कर सकते हो। अगर आपने उसको ज़्यादा टास्क पकड़ा दिया आपके सीपीयू को तो उसके कोर्स में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा और फिर वो बॉटलनेक होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको जो कोर का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ आ चुका है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आपको GTA 5 खेलना है, तो मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि GTA 5 एक गेम उसको रन होने के लिए एटलीस्ट 4 कोर्स चाहिए। तो अगर आप उस गेम को 8 कोर या तो 10 कोर वाला सीपीयू पकड़ा दोगे तो भी वो गेम सिर्फ 4 कोर्स को ही यूज़ करेगा, वो 8 कोर्स को यूज़ नहीं करेगा। आपने शायद ऐसा सोचा होगा कि मुझे GTA 5 सिर्फ खेलना है, और मैं जैसे कि GTA 5 मांग रहा है कि 4 कोर्स की ज़रूरत है तो मैं उसे 8 कोर्स पकड़ा दूंगा, बट जो गेम है वो सिर्फ 4 कोर्स को ही यूज़ करेगी। ऐसे ही अगर कोई भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है तो मान लो कि उसको चाहिए 10 कोर्स, बट आपने उसको 15 कोर्स या फिर 24 कोर्स को अवेलेबल करवा दिया, बट वो सिर्फ 10 कोर्स ही यूज़ करेगी और बाकी का जितना भी कोर्स फ्री पड़ा हुआ है वो बैकग्राउंड में किसी और काम में आप लगा सकते हो। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि देखो, जब भी कोई भी गेम या फिर एप्लीकेशंस डिज़ाइन होती है वो उस हिसाब से डिज़ाइन होती है कि भाई कितने कोर्स ये यूज़ करेगी। तो आप समझ ही सकते हो, आपने कोई भी एप्लीकेशन रन करवाई तो CPU पूरा का पूरा यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके कोर्स पीछे खाली पड़े हुए हैं। हालांकि अगर आप बैकग्राउंड में कुछ और काम करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। अगर मैं किसी एक CPU में मैक्सिमम कोर काउंट्स की बात करूं तो एक CPU है AMD का, जिसका नाम है AMD Threadripper 3990X, जो कि है 2.9 GHz का प्रोसेसर और उसमें 64 कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, यानी कि आप सोच लो कि ये इतना पावरफुल सीपीयू है कि आप इसमें ऑलमोस्ट सारे काम एक साथ कर सकते हो। जैसे कि इसमें 64 लेन्स अवेलेबल है, यानी कि 64 गाड़ियाँ एक साथ जा सकती है और आ सकती है। हालांकि ये जो सीपीयू है
ये ऑलमोस्ट जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जिनको बहुत सारी जो स्पेस रिसर्च या तो कोई मेडिकल साइंस की रिसर्च करनी होती है वो लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये जो नॉर्मल मदरबोर्ड्स होते हैं उनमें अटैच नहीं होते, इनके लिए मदरबोर्ड्स अलग से डिज़ाइन किए जाते हैं और इनका सॉकेट टाइप जो होता है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, ये प्रोसेसर भी खुद साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। बट जो नॉर्मल जो CPUs रहते हैं वो 12 कोर्स या फिर 24 कोर्स तक के होते हैं, जो साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो 12 या 24 कोर्स तक उनमें अवेलेबल होता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो कोर्स का है वो एक लेमैन लैंग्वेज में समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा वो कोर क्लॉक के ऊपर होगा।